उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके बाद से ही राजनीतिक पार्टियां ऑनलाइन प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बताया कि कांग्रेस जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। पार्टी प्रवक्ता ने घोषणा पत्र के बिंदुओं को लेकर कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरी तरह से जनता को समर्पित होगा। उसमें मौजूदा प्रदेश सरकार की नाकामियों का हवाला तो होगा ही, साथ ही रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम बिंदुओं का लेखा जोखा होगा। कांग्रेस हर वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बनाने जा रही है। उन्होंने यहां यानी कि गैरसैंण के मुद्दे पर भी कहा कि गैरसैंण राजधानी बनाना कांग्रेस की प्राथमिकता रही है। कांग्रेस ने वहां विकास के काम भी किए हैं। आज कांग्रेस की लगाई ईंट के बाद बीजेपी ने वहां पर कोई भी काम नहीं किया। सरकार में आने के बाद गैरसैंण में मूलभूत समस्याओं और राजधानी का हल उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। ये सुरसा का रूप ले चुकी है यहाँ प्रदेश के अंदर, और युवा जब साधग्रस्त दिशाहीन हो रहा है, तो उन युवाओं को दिशा देने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम बेरोजगारी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाएंगे। उसको दूर करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और रोजगार के क्षेत्र में उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमने पहले भी बहुत काम किया अपने कार्यकाल के दौरान, इस बार फिर हम महिलाओं को फोकल पॉइंट रखते हुए उसके इर्द गिर्द हमारी सारी घोषणाएं होंगी। मातृशक्ति के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई कसर छोड़ी नहीं है, आगे भी हमारी कोशिश रहेगी। किसानों की जो दुर्दशा भाजपा कार्यकाल में हुई है उसको संवारने की बेहतर कोशिश होगी।